नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, कैराना विधानसभा के डुंडू खेड़ा गांव में मौजूद हैं और अब की बार जनता से बातचीत करते हैं कि अब की बार कैराना विधानसभा में एक तरफ मिर्गांका है जो बीजेपी से है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और लोकदल से नाहिद हसन है। और बात यही है कि क्या अब की बार मिर्गांका सिंह यहाँ से निकलती हैं, क्या अब की बार बीजेपी की यहाँ पर मोहर लगती है या फिर नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी और लोकदल से नाहिद हसन दोबारा से वर्तमान विधायक जो हैं वही विधायक बनते हैं। क्या लगता है जी, अब की बार कैराना की जनता क्या चाहती है? बनू छे हम तो फूल पे दे गए वोट। अच्छा, हंगा लायक है पर खुले कुआर सोरे बजा रहा सरकार। हाँ जी, फूलो फूल पे देंगे जी। अच्छा, ऐसा काम क्या कर दिया? फूल पे देंगे, फूल पे देंगे, फूल पे दोगे? इनका सारे काम इधर या पार्टी आई, सारे काम बढ़िया हो रहे। अच्छा। सड़क बढ़िया हो रही। हाँ। गुंडा कर दिया अठरी। अच्छा। और सारे काम बढ़िया बढ़िया हो रहे। इनका हंगा ला के जिताओगे इन्हें? हाँ, वोट देंगे खूब डट का। ऐसा हो बाद में बदल जाओ? नहीं बदले, नहीं बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल देंगे वोट, देंगे अड़के देंगे वोट और की भी दुआ होंगे। हाँ बिल्कुल जम के देंगे वोट। हाँ जी, जात देगी पूरी गांव की छत्तीस जात। हाँ, सब वोट देंगे, सब वोट दोगे? हाँ, मेरी गंगा को दो बार हरा रखी, हारनी एम के लिए हारनेगी। एम के तो बहुत वोट से जीतेगी, जीतेगी अब की बात। हाँ, फूल जीतेगी। नहीं हसन नु कह रहे मैंने विकास कर दिया गांव में, इतने सारे रोड बनवाए थी, बोलो आज लो आया भी नहीं। हाँ, दो बार बन लिया तो आया भी नहीं, आज लो यहाँ देखे नहीं है, हमने देखे गंगा ही, मेरी गंगा तो रोज आवे। बथेरी मोटर खसवाई, मोटरसाइकिल का मतलब खोज लेके नाई दर्शन गए, उसमें थोड़ा विकास कर नाई दर्शन ने। हाँ, और इतने विकास क्या करेगा? की बार कौन जीतेगा? तो मरकंगा जीतेगी। अरे दो बार तो काम खराब कर दिया, अब की तीसरी बार हैट्रिक है, मतलब भी नहीं के कह रहे हवा भी नहीं आती, वादा घर की लड़ाई थी यही उन्हें वोट फायदा टह गया। अब की बार जीत पक्की है? पक्की है जी, पक्की जीत है भाई। आधा तो जीत के जाएगी, आगे की गांव में तो जीत के जाएगी, गांव में तो जीत के। अरे गांव की जीत है, 100% उम्मीद है पूरी पूरी। अच्छा, हाँ, उमर कंका जीतेगी। नहीं दसन को नु कह रहे जान के पकड़ लिया पुलिस वालों ने, उन्होंने लग रहा था जीत हो रही इसकी ना ईद की, वो तो पहले ही आदर शामली में बढ़ नहीं रहा था, ईद बड़ाई भी पकड़ लिया जी, कह रहे ना ईद की जीत हो रही थी इसलिए बीजेपी डर की, नु कह रहे ठा लो। उस पर 17 केस है, 17 केस में गया वहाँ से, और कौन समझ आया था वो? अरे पहले क्यों नहीं ठाया था, 5 साल से तो बाहर था, नहीं लुख रहा था, कौन सा सहमी था, लुख रहा था और उन्हें लोग मरवा दिया, कटवा दिया, हतम दे दी, वहां से उसमें वो मशीन चलाई थी वह लोहे गाड़न वाली, उसमें जो एक दे जिनने पीछे मांगे। 2017 से पहले ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही थी, अब जब कहने लगे उनको गुंडागर्दी खत्म होगी? नहीं, एक बात तो बता दो, गांव में था मोटर खोल ले गए, मोटरसाइकिल खोज ले गए और इस बत्ती के गुंडागर्दी कर दी भाई। अच्छा, हाँ, पर क्या लग रहा है आपकी बार लखनऊ में कौन बढ़ेगा? बाबा ही है, ले साधो नु कह रहे 400 सीट है मेरी, बाबा है उसकी एक नहीं है, उसकी एक नहीं है। हाँ, योगी जीतेगा, नलका चलेगा, साइकिल दौड़ेगी पूरा दब, नलका कहाँ चल रहा है, तो समरसिबल चला है, समरसिबल चला है, और कहाँ चल रहे नलके जी, साइकिल पे पंचर हो गया, कह रहे उसमें ट्यूबलेस टायर है, उसमें नहीं पंचर हो रहा, पंचर हो रहा, ज्यादा 10-20 वोट निकलेगी उसकी, बस फालतू नहीं है। भाई साहब क्या लग रहा? भाई साहब एक तरफा बीजेपी है यहाँ पे, एक तरफा गांव में, 4 गांव हमारे जो सामरी विधानसभा से आ रहे हैं यहाँ इस करणवाड़ी में, 4 गांव में गुजरोगे, वीरेंद्र सिंह के गांव है चारों गांव का रिजल्ट देख लेना आप, जब 10 माह उसका होगा ना, 10 माह में रिजल्ट होगा, 95% वोट, 98% पोलिंग होकर 95% वोट बीजेपी की निकलेंगी। अच्छा, जोर शोर से बीजेपी को फुल सपोर्ट पूरे गांव की, 36 बिरादरी की। 2017 में भी तो होगा सपोर्ट, जब क्या हो गया था? अरे भाई साहब ये तो अपनी घर की लड़ाई थी, इसलिए वो फायदा उठा गया था, गांव में ना ठप्पा लगा था, कुछ समर्थक अनिल के थे, वीरेंद्र सिंह जी उस टाइम पर समाजवादी में थे इसलिए वो जीत गए थे। अब वीरेंद्र सिंह जी, अनिल जी, मरगांगा तीनों एक साथ चुनाव लड़ रहे, अब तो हारने कोई मतलब ही नहीं है। अपने 4 गांव हमारे गुजरोगे, 95% वोट और 98% पोलिंग चारों गांव होगा बीजेपी को। अच्छा, फुल सपोर्ट। अच्छा, योगी जी ने कहा कि नाहिद हसन को ज्यादा गर्मी है, अब की बार तार देंगे लग रहा कुछ। ये तो देखो बाबा जी है, बड़े बड़े ठोक दिए तो वो छोटे विधायक, ये तो कोई बात नहीं चलता रहा इतना दिन का। अच्छा। बड़े बड़े गुंडे ठुक गए, आजम खान तो बहुत बड़ा आका था उसको वो भूल गया,
उसको नहीं पता। अब ये मैंने कहीं बोल रहा दिख रहा है न्यूज में अपना, वो बस चुपचाप चुनाव लड़ रहे आराम से। ये तो बड़े बड़ों की निकाल दी गर्मी तो बाबा जी ने, तो बाबा जी का बुलडोजर है धीरे धीरे फिर जाएगा सपना अगली योजना, पता नहीं क्या क्या होगा। कह रहे बुलडोजर का जो वो है ना अखिलेश यादव जी कह रहे, जो उसका हैंडल है ना वो अब की बार नू घूम जाएगा। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो विधायक जी है ना, नाइक जी है, ये देखो हम ये नहीं करते, स्टार्टिंग में बनाया भी हमने था विधायक। अच्छा। वीरेंद्र सिंह जी नहीं, गांव में खुद हमने वोट किया था जिस टाइम पे उपचुनाव हुआ था, हमने ही वोट देकर बनाया था। अच्छा। ये इतनी वो नहीं है जितनी उनकी पॉपुलरिटी कर दी ना भाई, इतने बड़े बदमाश ये इतने ये नहीं है, गुंडा कर दिया है समाजवादी सरकार से है, बाकी इतने बड़े में गुंडे नहीं है, जितने बड़े ये भी नहीं कहते हैं वो गुंडे हैं, नाइदर्शन गुंडे नहीं है, विधायक हैं। देखो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ गांव में कभी आए नहीं, विधायक हमने बनाए थे स्टार्टिंग में दो, जब उसमें चुनाव उपचुनाव में हमने वोट दिया था खुद विधायक बनाए थे। उसके बाद देखो जो भी कुछ करा वहीं करा होगा, यहाँ तो ना उसने कोई जानता है ना पहचानता है अपने गाँव में, यहाँ कोई उसका वो नहीं है। और ये बाकी जो है ना गुंडा बदमाश, ये हम ये उस ना इतने दोष नहीं देते कि ना इत गुंडा आया बदमाश है, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडा करती उनकी सरकार में चला है, वो गुंडा नहीं, उसने गुंडा नहीं कहने के विधायक जी ने, हाँ गुंडा कर दी समाजवादी सरकार में चला है, तगड़ी गुंडा कर दिया, गुंडा कर दी था मुक्ति मिल रही, बस खुले क्वार्टर्स हो रहे, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 बजे 12 बजे किसी टाइम आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा। आज के टाइम में देख गड्डी रपक ले फिर जा, तेरे पे कोई घोषणा नहीं पहनेगा तेरे पे तो कोई। अच्छा। कोई घोषणा नहीं, यहाँ देख क्या जो गले पे दुकानदार पे 1000 रुपये भी हो गया ना, मैं भी पहले चौकस करे कभी कोई और ले जाता है, ऐसे माहौल था यहाँ से। ऐ ताऊ जी तुम डंडा लेगा कहाँ खड़े इतने, क्या लग रहा है आपकी बार 100% जीतेगी यहाँ तो भाजपा, भाजपा जीतेगी, बढ़िया रहेगा माहौल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं होनेगी ना, कुछ नहीं मजा। अरे दो बार तो दिक्कत दे दी, अब की बार ना दे दियो, नहीं 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 ना ना है जीतेंगे मौज है। और लखनऊ में क्या होगा अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार है अब की बार, बाबा के सपने हैं, बाबा ही चलेगा, हाँ बढ़िया लगा बाबा का, हाँ है जी बाबा का काम कौन सा बढ़िया लगा, बस बाबा का 24 घंटे किसी डाल फिर जाओ, सारे रात न काम करो दिन में काम करो, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बदमाश का कोई प्रेशर नहीं है, बस शांति है गांव में, सरकार तो संतुष्टि है। हाँ अखिलेश यादव नु कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जिनका जो इसमें खेतों में काम कर रहे हैं उन्हें बिजली बिल्कुल फ्री, सरकार दिक्कत नहीं, सरकार कर्ज बंद हो जाएगी, जो फ्री कर दिया था सरकार कर्ज बंद हो जाएगी जी, कर्ज बंद हो जाएगी जी, बिल्कुल पैसे देते रहेंगे, बिजली फुल है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री पे नहीं देते आपकी बात, ना ना फ्री नहीं रखते हम तो पीछे ही देते रहेंगे। ऐसी ताऊ ऐसी बिजली आवे थी मानस भी नहीं मरे था ऐसी, उसके टेम में ऐसी बिजली आवे थी मानस नहीं मरा था उसते। अच्छा। और हम जी दे देगा बिजली 12-13 में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वोट दे दो, बकारे है दुनिया को गुमराह कर रहे, और ये देना दुआना कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे, क्या लग रहा आपकी बात, इनका वोट ले लेंदे इनका तमाशा दिखा देंगे, बोल जोटर फरवा देंगे, कहते हैं वोट दे तो मरता है, हाँ दे दी उनका वोट में मरवा देंगे सहरू ने एक डब्बा ही है भाई। और अच्छा नाई दसन का बयान तो सुना होगा जी, नाई दसन नु कह रहे हम 90,000 है वहाँ उधर शामली में चल रहा, और नु कह रहे जाट थे 24,000 नु का भूस भरते थे, जाट 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 हमारे भाई हैं, वो हिंदू हैं, कौन सा उनके साथ का क्या मतलब है, हमारे साथ हैं जाट, हमारे साथ रहेंगे, जाट तो आरएलडी में बना हुआ है बिल्कुल, आरएलडी में तो अजीत सिंह उस दिन जहाज नीचे डरा जी, वहाँ कत्लेआम होया था उसमें कव्वाल में, और मेरा तो जहाज नीचे ढंड दिया बीजेपी वालों ने, वहाँ कहाँ गया था उस दिन अजीत, अरे अब जाट उसके उसमें रहेंगे हिंदुत्व में, हाँ जी खेल रहेंगे, खेल रहेंगे बीजेपी के, उनके बीजेपी के, बीजेपी के, बीजेपी के हैं भाई, नौजवान हो क्या बात है, नौकरी नाकरी का कुछ हुआ नहीं हुआ सरकार में भाई, ना दिक्कत पहलो थी ना दिक्कत आ जाए, रोजगार की तो, रोजगार की तो लाइन लग रही, मौज हो रही, और डुंडू खेड़ा कंपटीशन के मामले में सबसे आगे रहेगा चुनाव में, पोलिंग बूथ पे पूरे विधानसभा में, आरएलडी को जितवाओगे गठबंधन को या फिर क्या हो, को जितवाओगे बीजेपी को जितवाओगे, आरएलडी के क्या मतलब है, शुरू से ही आज तक उस दिन से पैदा हुआ है ना, जिस दिन से मतलब 18 साल से वोट बनी बीजेपी से अलग कहीं वोट दे ही नहीं, हाँ जी डिंडो खेड़े का ही रिजल्ट है सबसे आगे, सब तक अगर है कंपटीशन के मामले में, कंपटीशन है जी, क्या होगा अब की बार, मरकंगा रह गया था एक तरफा,
थप्पा लगेगा। तू कह रहे नहीं तो सुन ना, बहुत बढ़िया काम कर दिया, रोड दे दी सब ते। दे दिया होगा, मारते नहीं दिया कुछ भी। क्यों नहीं मिला? ना मारते नहीं दिया कुछ भी। विधायक जी आए तो होंगे, दो तीन बार मिले। नहीं आए, यहाँ नहीं आता उत्ता। मुसलमानों में होकर चला जाए, मुसलमान में ही होकर चला जाए। जी वोट मांगन नहीं आए अभी तक ना दसन? ना जी यहाँ कोई नहीं आया। उनकी बहन तो इकरा तो घूम रही सारे में, तो यहाँ नहीं आई। यहाँ पे भी नहीं आई? ना जी यहाँ नहीं आया कोई भी। आवे भी नहीं, मैं कदा यहाँ तो कभी भी नहीं आई चुनाव में। अच्छा, आने की नहीं? मैं नहीं आवे भी नहीं। क्यों? मर्जी की। तो दोगे तुम? नहीं दे। अच्छा, मोर तो मेरे गंगा की है यहाँ 90% 98%। अच्छा, 98% बिल्कुल एक तरफा जाएगा। एक तरफा, कोई रोक नहीं सकता। है भाई, क्या हाल चाल है? बुआ जी जीती 100% का थी। अच्छा, हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? बदनाम सार 63। अच्छा? हाँ। कैसा नाम है भाई? नाम एक ब्रांड है ये। नामी ब्रांड है। अच्छा, अब की बार क्या लग रहा, कौन सा ब्रांड चलेगा? फूल चलेगा, साइकिल चलेगा, हाथी चलेगा, क्या होगा? फूल चलेगा, फूल। अच्छा, हाँ दबाएगा कति। ऐसा फूल ने कौन सा काम बेहतर कर दिया तो नौजवान उधर जा रहा? सारा ही कर दिया काम तो उन्हें। अच्छा। हाँ कति टू जेड कति। नहीं दसन देखे होंगे विधायक साहब, वो नहीं करता कुछ भी, यहाँ तो फूल ही करेगा जो कुछ भी करेगा। अच्छा, हाँ फूल ही करेगा। हाँ कह रहे दो बार बीजेपी को तुमने काम खराब करवा दिया मेरे गंगा जी का, अब की बार जीत जाएंगी? नहीं जीतेगी, जीतेगी दोगे? हाँ 100% कति। अच्छा, पहले भी दिया था वोट, अब की बार ही है? पहले भी दिया था, अब की बार भी देंगे? अब की बार भी? हाँ है भाई, भाजपा की सरकार तो रहे, क्या होगा? भाजपा की सरकार आओगे भाई, भाजपा की सरकार। अरे नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, गन्ने की दिक्कत रहेगी, बहुत सारी दिक्कत रही, कह रहे सरकार में कोई दिक्कत नहीं, सारे काम ठीक होए। हाँ जी, सबसे बड़ी बात यह देखो, आप नौकरी लगा लो या बिजनेस कुछ भी लगा लो, पैसा लगा लो, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना वो आत्मरक्षा है, वो बाबा की सरकार में आत्मरक्षा है, सबसे बड़ी बात यह है। कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र हो गए सो, बेफिक्र हो, कहीं घूमो कहीं कुछ करो, मान के चलो आप पैसे मिल गए, नौकरी मिल गई, रास्ते में नौकरी से घर आने लग रहे, रास्ते में मार के गेट दिए, क्या करोगे साहब नौकरी का? सबसे पहले आत्मरक्षा, आत्मरक्षा बाबा की सरकार में पुल है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा बाबा, अति मजा आ रहा, बढ़िया वाला है जी, पूरा मजा आ रहा क्या? जी पूरा मजा आ रहा, पेमेंट पिछले साल का पूरा कर दिया। हाँ। और इबकी साल का भी 10 दिन का बना दिया। अच्छा, हाँ कह रहे थे 14 दिन में मिल जाएगी पेमेंट, मिली भी नहीं भी, बस कहने का 14 दिन का तो किसी सरकार में नहीं पेमेंट होया। अच्छा, बाकी पेमेंट सही आ रहा, होने लग रहा पेमेंट सही आ रहा। पहले तो बैंक में चले अत्यन रास्ते में घुस गया था, और इतने टाइम में पहले मिला था, इतने में मिला, देखो पेमेंट की तो व्यवस्था ऐसी है, मिल के हिसाब में, सरकार के हिसाब में नहीं है कुछ मिल, अब भी सरकार में देखो आप, ये खतौली मिल का ले लो, खतौली मिल ने नवंबर क्लियर कर दिया, अब 25 दिसंबर तक कमा दिया खतौली ने, तीता भी ने, ऊन मिल ने, शामली मिल ने नहीं दिया, ये तो अभी दे रहे पेमेंट देने वाले थे, मिलों के हिसाब में है, सरकार नहीं करती पेमेंट कभी भी। अच्छा। ये खुद मिल करते हैं, मिल ही दिक्कत कर रहे, मिल दिक्कत करें, आप ना खतौली का तितावी का पेमेंट निकाल के देख लो, 14 दिन में पेमेंट रहा, 15 दिन का पेमेंट रखा है, 15 दिन बाद तुरंत पेमेंट करते हैं दोनों मिल। अच्छा। ये तो मिलों की प्रॉब्लम होती है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। आज कम से कम चोरा लेट मिल रहा है, फिर चौकस मिल रहा है, हमने कोई दिक्कत नहीं उस चीज की, आज मजा आ रहा साला, कति बढ़िया, कति मजा आ रहा है भाई, कति मजा, कति दबा का एक एक सर सुना तो फिर सुना दो, वो तो सिप्पी गिल था, 10 मिनट का टाइम देगा, हम तो कुछ जा रहा 10 सेकंड में नाश कर देंगे, और बुआ जी के साथ फुल सपोर्ट है, जाओ बाबा की भैया। तो आपने देख लिया भाई, डुंडू खेड़ा गांव में मौजूद थे, लोगों से बातचीत करी कि अब की बार क्या होना है, अब की बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो पता लगेगा 10 मार्च में कि ऊँट किस करवट बैठेगा और अब की बार होगा क्या। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।